आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज टीचर्स डे के अवसर पर वायरल झांसवा की टीम की ओर से मैं रवि कुमार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। खिदमत कमेटी की ओर से सरबहाल स्कूल ग्राउंड में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें लड़के लड़कियां समेत कई बच्चे भाग लिए थे। ब्लू राइडर्स टीम की सहयोग से पहली बार खिदमत कमेटी की ओर से इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। गोंडवाना गोंड महासभा के राज्य सभापति महेंद्र नायक की अध्यक्षता में भुवनेश्वर स्थित जयदेव भवन में सम्मान समारोह सभा 2022 का आयोजन किया गया था। बनरपली थाना अंतर्गत सहजबल गांव के धर्मराज रोहिदास और बिस्केशन बाग गांव के रोड साइड में बैठने के दौरान सुधांशु रोहिदास और किरण रोहिदास धर्मराज रोहिदास को गाली देने के साथ उनके साथ मारपीट करने की शिकायत धर्मराज ने बनरपली थाने में दर्ज करवाई है। बड़माल थाना अंतर्गत सहापड़ा में एक बाइक को एक हाईवा टक्कर मारने के कारण बाइक सवार गंभीर रूप से घायल होकर रोड साइड में पड़े हुए थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें उद्धार करके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कई अपराध में शामिल ओरियंट थाना एरिया शास्त्री नगर में रहने वाले राधे नामदेव नामक एक युवक एक धमकी भरा वीडियो जारी कर पुलिस और जनता को चैलेंज करने के आरोप में पुलिस उसे गिरफ्तार करके कोर्ट चलन किए हैं। राधे के नाम पर विभिन्न थाने में 20 से भी अधिक मामला दर्ज होने की पुलिस की ओर से सूचना मिली है। ओडिशा स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास लखनपुर ब्लॉक का दौरा करने के साथ पॉसिबल ग्रुप द्वारा पलसदा गांव में आयोजित नुआखाई भेंटघाट कार्यक्रम में शामिल हुए। झारसुगड़ा और विजयनगर एरिया के डीजे मालिकों को लेकर झारसुगड़ा थाना अधिकारी सावित्री वल्लभ के अध्यक्षता में टाउन थाने में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। लखनपुर ब्लॉक पुनर्निर्माण और लखनपुर तहसील एरिया में सब डिवीजन की मांग को लेकर बड़ीमाल और मुरालीपाली गांव में एक जन जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया था। ईजेबी फाउंडेशन की ओर से नुआखाई और गुरु दिवस के लिए सरबहाल स्थित सरकारी स्कूल में एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में लगभग 400 छात्र ने भाग लिया था। ओरियन थाना अंतर्गत कालीनगर में एक किराए के घर पर रहने वाले किसुदास नामक एक युवक आत्महत्या करने की सूचना मिली। ओरियन थाना अधिकारी कल्याणी बेड़ा घटना स्थल पर पहुँच कर लाश जब्त करने के साथ जाँच पड़ताल शुरू की। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।